फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एफ रिव्यू में। तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आपके लिए वीडियो, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फेस प्रोटेक्टर नाम के ऐप के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए फेस प्रोटेक्टर नाम का ऐप मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, आप भी इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये एक एडिटिंग का ऐप है, इसमें आप अपनी इमेज को बहुत अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए इस ऐप को मैंने रन कर दिया है। ठीक है यहाँ पर देखिए रन होने के बाद स्टार्ट का बटन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद इसी ऐड आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए गैलरी या फोटो कैमरे से आपको ही फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो कैमरे से कर सकते हैं, या गैलरी में से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो गैलरी से भी कर सकते हैं। ठीक है मैं गैलरी में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो सेलेक्ट करना है। ठीक है तो मैंने इस पर फ़ोटो को देखिए सेलेक्ट करके क्रॉप कर लिया। ठीक है अब ये देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो आपको बन आ चुका है। ठीक है इसे आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है आप इसे जूम भी कर सकते हैं। ठीक है और फ़ोन में जो फ़ोटो आ रहा है ठीक है इसे भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है छोटा बड़ा या लेफ़्ट साइड में कहीं भी हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ठीक है इस तरीके से यहाँ जो फ्रेम दिख रहे हैं आपको नीचे लिखा हुआ फ्रेम दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है बहुत सारे फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है ये देखिए इस तरीके से ये जो फ्रेम आपको दिख रहे हैं कोई भी फ्रेम आप सेलेक्ट करके उस पर आप अच्छी तरीके से अपना फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। ये देखिए फ़ोन में भी आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है इस तरीके से काफ़ी अच्छा ऐप है और इस फोन ऐप की मदद से आप काफ़ी ये देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये फ्रेम है ये दे रखा है। ठीक है इस तरीके से आप कोई भी फ़ोटो कैसे भी एडिट करना चाहते हैं तो इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए ऐप के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके थैंक यू।